एक तो एक
जरा यानी थोड़ा, जरा यानी बुढ़ापा, और एक होता है जरा यानी कि जरा 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 नहीं जरा सॉरी जरा यानी थोड़ा, जरा रुकी है बोलते हैं थोड़ा रुकी हो वाला जरा। ये तो मालूम है अभी जो नुक्ता जिसमें लगा यानी कि इसका मतलब तो आप जरा यानी बुढ़ापा। ये देखिए इसमें लगते बीच में आगे धड़क लगना तो यहाँ रुक गई हिंदी, और जरा यानी बुढ़ापा और जरा यानी थोड़ा, ये जरा जरा ये नुक्ता लगा हुआ है इसमें, तो इसको बोलते हैं मोड़ा थोड़ा, ये लग गई अभी डबे थोड़ा। ठीक है, अब देखिए व्यंजन स्वर अपन ने पढ़ा, व्यंजन अपन ने पढ़ा, और व्यंजन भी जो क क ख ये पूरे पढ़े उसके अंदर भी आगत व्यंजन होते हैं, ये क ख ख ग ञ ञ ञ नुक्ता लगता है, इनसे शब्द अलग बन जाते हैं, जैसे खाना और फैमिली नुक्ता लगे तो अलमारी का खाना है ना, और ये क फर ये अलग हुआ फन जो साथ उठाता है, और ये जो है फन यानी कि कला, और इंग्लिश शब्द भी बोलते हैं फन, हनी हनी वो मजाक किया वो फन, और जय यानी कि जला बुढ़ापा, और जय यानी कि थोड़ा। ठीक है, तो ये हुआ अपना ये स्वर और व्यंजन वर्ण के दो भाग थे उनके बारे में। अब नीचे अपने और आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में क्या होता है, मिले जुले दो शब्दों से संयुक्त व्यंजन बनता है, संयुक्त व्यंजन में दो वर्णों से मिलकर के संयुक्त व्यंजन बनते हैं। जिस प्रकार की अलग अलग वर्णों के मेल से जो व्यंजन अलग अलग वर्णों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अंग और अह, अंग और अह को अलग होते हैं स्वर के साथ नहीं होते, लेकिन
दिन, पिन, लिखो, खिलो, मिलो, जल्दी से बोलते हैं दिन, पिन, मिल, बोलते हैं ना जल्दी से बोलते हैं, और ये खींच के बोलते हैं, खींच के जैसे जीता, पीपा, मीना, रीटा, बोलते कि नहीं बोलते बड़े की मात्रा शब्द है, तो ये हो गया छोटा की मात्रा, तुम, मुझ, सुन है, और बड़ा की मात्रा फूल, पूजा, जूता, और दी की मात्रा में नृप, ऋषभ, कृपाण, और ए की मात्रा सेवक, केला, मेरा, तेरा, और इनमें मैदान बोलते हैं, मैदान, मैना, मैया, भैया, रुपया, और ओ की मात्रा कोयल, मोहन, मोर, औ की मात्रा मौसा, मौसी, होते हैं ना औरत, पौधा, ठीक है, इस प्रकार से मात्राएं सब स्वरों में जुड़ती है और बोलते हैं। अंक और अह, अंक और अह में मैंने आपको बताया था, अंक को बोलते हैं अनुस्वार, इसको बोलते हैं अनुस्वार, और इसको बोलते हैं विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग, ये अंक और ये अह, ये अलग से होते हैं, इसके इसके बाद में अलग से अपन लिखते हैं, स्वरों में नहीं आते, ना ये व्यंजन में आते हैं, ना ये स्वर में आते हैं, लेकिन क्योंकि ये मात्रा होती है अलग से लगती है बाद में, वर्ण के बाद में, स्वर के बाद में, ठीक है। अब ये जैसे इसमें आप मैंने पहले भी बताया था, ये इस तरह से लगती है रंग, मंजन, संग, चंदन, और ये अह की मात्रा में प्रातः है, नम है, अतः है, ठीक है, इस तरह से शब्द होते हैं। ये स्वर अपन ने तो वर्ण वर्ण विचार आज अपन ने क्या किया, वर्ण यानी वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं, और वर्ण विचार यानी कि वर्णों पर अपन ने विचार किया। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन, स्वर अ आ ई व्यंजन क ख ग घ, और उसमें भी स्वरों के अंदर अयोग है, बताया था मैंने आपको, अंग और अह बाद में होते हैं, ग्यारह होते हैं, उसके बाद में ये होते हैं, और व्यंजन अपन ने पढ़ाई था, उसके बाद में संयुक्त व्यंजन में अपन ने पढ़ा अक्षो क और श से मिलके बना अक्षर, त्र त और र से मिलके बना, और ज्ञ ज जाने वाला, ज और ञ से मिलके बना, और श्र श और र से मिलके श्र शब्द वाला बना, ये संयुक्त व्यंजन था। अपन ने ये आज ही पढ़ा, और नुक्ता लगाना, नुक्ता जैसे ये बिंदी जो लगाई ह और क, ये अपन ने वापस ये डिवीजन लगा दिया, तो वापस क इस तरह से नुक्ता लगाया अपन ने, जरा भी लगाया, बताया थे मैंने ये शब्द, जरा यानी थोड़ा और जरा यानी बुढ़ापा, ये भी बताया था, खेगा खाना और अलमारी का हिस्सा, अलमारी का हिस्सा कोई छोटा बने हुए थे, पार्टिसिपेट अलग अलग किए हुए होते हैं अलमारी के अंदर, वो ये भी मैंने बताया। तो ये हो गए अपने वर्ण विचार, वर्णों का विचार, ठीक है बच्चों, इसको वापस एक बार आप